गांव का हालत कुछ आप देख सकते हो। इस गर्मी में दूर दूर तक कोई बंदा नहीं दिख रहा। Hey guys, good morning, welcome back एक नया वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी, ऐसा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम तो बैक यूट्यूब में। तो जब से भाई घर में पहुँचा है तब से हालात इतना ख़राब हो चुका है मेरा, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। एक तो बीमार पड़ गया हूँ और जब इंसिडेंस ऐसे गंदा होता है तो लोगों का भी साथ मिलना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी दिक्कतें फेस करना पड़ता है। और लोगों के तानों से तो मेरा बिल्कुल पक चुका था, लेकिन क्या करें, कभी कभी कुछ बड़ा करना हो तो कुछ कुछ छोटे चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसको चलते अभी मैं कर रहा हूँ। और लगभग घर आए तो आपको पता है ये 5 से 6 दिन हो चुका है, और 5-6 दिन में काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है लाइफ में। और हमने अपना चैनल को ट्रैवल से निकाल के कर दिया एक लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग में। तो अभी आपने जैसे देखा होगा चैनल का नाम है आई एम अजीत ब्लॉग्स। तो आई होप अब आप अपना प्यार इस चैनल को ज़रूर देंगे और सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो गाइस अभी दोपहर हो चुका है और गर्मी इतना ज़्यादा कि कुछ पूछो ही नहीं। अभी मैं घर के अंदर हूँ और मेरा कंडीशन आप देख के समझ ही गए होंगे गर्मी किस टाइप का है। तो अभी मैं नहाकर जस्ट आया और मुझे खाना था खाना। तो घर का कंडीशन कुछ ऐसा, अभी किसी को जगा भी नहीं सकते, इतना गर्मी है और सभी मस्त हो गए सोए हुए हैं, जिसके चलते उनको उठाना मेरे लिए सही नहीं है। ऐसा आप ये देख सकते हो, सभी घर के जितने भी मेंबर हैं सभी आराम से मस्त हो के सोए हुए हैं और मैं एक अकेला भूत के जैसे इधर उधर भटक रहा हूँ। लेकिन खाना खाना मेरे को काफ़ी ज़ोर से लगा भूख, जिसके चलते कुछ खुराफत वाला मैंने आइडिया लगाया कि इनको बिना उठाए मैंने आज खाना खुद डाल के खाना है। तो चलते, और ये रहा हमारा बर्तन का भंडार, तो यहाँ से लेंगे 2-3 बर्तन खाना वगैरह डाल के लेके आएंगे। तो चलते फटाफट डालते खाना, उसके बाद बाकी बात, क्योंकि भूख काफ़ी ज़ोरों से लगा हुआ। गाइस बर्तन वगैरह हो चुका रेडी, तो मैं आ चुका हूँ अभी खाना वगैरह डालने के लिए। तो खाने में आज बनाया क्या वो देखते हैं सबसे पहले। तो ये बना भाई क्या है, तो कट्टी के और आलू की तरी वाली सब्जी, और साथ में लेंगे हमें चावल। तो ये तो सूखा चावल है, मेरे ख्याल से तरी वाली सब्जी है, उसके चलते इन्होंने चावल भी सूखा बना दिया हुआ। और हमारा घर का ये भाई 5-स्टार वाला किचन, किचन देख के तो आप समझ ही गए होंगे कितना बाहियात वाला कंडीशन है। लेकिन गांव में आपको तकरीबन किचनों की कंडीशन ऐसे ही देखने को मिलेगा, आपको 3D मॉडल वाला स्टाइल वाला किचन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रहा हमारा बर्तन, तो डालते सबसे पहले खाना, उसके बाद बाकी बात बनेगा। खाना हमारा डल चुका है और डाल के मैं ले आया अपने टेबल पर। और ये भाई स्पेशल चीज़ है आम पापड़ का अचार, और मैं लेके गया था पतीला, लेकिन मैंने देखा चावल सूखा हुआ था, जिसके चलते मेरे को दोबारा थाली लेके जाना पड़ा ताकि इसके अंदर मिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं हो। और सब्ज़ी को देख के तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, अब खाने के बाद पता चलेगा। और गर्मी इतना ज़्यादा है कि भाई बर्दाश्त करना बाहर है। तो अब मैं आप लोगों को खाना खाने के बाद ही मिलता हूँ, क्योंकि इतना गर्मी है साथ में वीडियो बनाना खाना खाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो खाना वगैरह खा के मैं आप लोगों से मिलता हूँ डायरेक्ट, फिर चलेंगे बाहर, देखेंगे बाहर का भी कंडीशन क्या है। गाइस खाने वगैरह का काम हो चुका कंप्लीट, और मेरे खाने खाते खाते हमारी एक जो सिस्टर थी सोया हुआ था, उठ गया था, मेरे को कह रहा है मेरे को बुलाया क्यों नहीं। मैं कहा अब बुलाऊंगा तो तुम लोग का हमारे ऊपर रोब झड़ोगे कि अभी क्यों उठाया क्यों किया, इसलिए हमने सोचा खुद ही खाना डाल के खा ले। तो अब भाई हमारा गांव का हालत कुछ आप देख सकते हो, इस गर्मी में दूर दूर तक कोई बंदा नहीं दिख रहा आपको। ये रोज़ का कंडीशन है जब से ये गर्मी स्टार्ट हुआ है। और हमारा गाँव में दुकान तो है लेकिन कोई कस्टमर नहीं है बेचारे के पास, बस ये दुकानदार जहाँ तो अभी सोया होगा जहाँ तो अकेले ही बैठा होगा। तो ये देख सकते हो दुकानदार बेचारा मस्त हो के लेटा हुआ और फ़ोन चला रहा है। मास्टर जी को विदाई करने के लिए नहीं जाना, कब? 3 बजे चलो मुँह कंगर जाइए। तो आज हमारा गांव के जो नाटक सिखाया था मास्टर जी, उनको घर विदाई करनी है। तो बच्चों ने काफ़ी कुछ तैयारी किया है, मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं नाटक में साथ नहीं हूँ और उनके साथ कोई एक्टिंग वगैरह नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे को इसका इतना आइडिया नहीं है। तो ये भाई साहब हमारा बने हैं हनुमान जी, और इसे रोल काफ़ी अच्छा शूट करता है। तो इंस्टा पे मैंने पोस्ट किया है इस भाई साहब का फ़ोटो, आप जाके देख सकते हो इतना इसे कितना अच्छा शूट करता है। और इसके रील्स अभी मेरे पास पड़े हैं, मैंने अपलोड किया नहीं है, वो भी कर दूँगा बहुत जल्दी। तो देखते हैं गांव के आगे पीछे की कंडीशन क्या चल रहा है इस गर्मी में।
गर्मी इतना ज़्यादा है कि गांव की कंडीशन तो आपने देख ही लिया, और मैं जा रहा हूँ उस जगह पे, और यहाँ पे भाई चल रहा ठंडी ठंडी हवा, और इस हवा का मज़ा लेते हुए और अपना पसीने को सुखाते हुए तो थोड़ी देर वहाँ पे करेंगे वॉक, क्योंकि खाना वगैरह मैं अभी खाया हूँ तो मेरा पेट बिल्कुल बाहर निकल गया, और दवाई खाते खाते मैं पानी इतना ज़्यादा पी लिया, मेरे को चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और आज मास्टर जी को विदाई करने के लिए बच्चों ने किया था काफ़ी कुछ सामान इकट्ठे जो उनको उपहार के तौर पर देना था, तो गांव में तो आपको पता ही है जैसे लोग पैसे के इतना मैटर नहीं करता है, तो पैसों वाला चीज़ नहीं होता, जैसे कि गांव में मिलता आम और खजूर की जो फ्रूट्स होते हैं, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों ने इकट्ठे किए हुए सर के लिए, और जब उनको वापसी आज काफ़ी इज्जत मान के तैयारी करके डीजे वीजे लगा के बच्चों ने उनको वापस भेजेंगे, उनके घर पर जाके छोड़ कर आएंगे, बस वगैरह किया हुआ रेंट पर, तो हम तो जाएंगे नहीं क्योंकि हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं है, तो हम जाना भी ठीक नहीं है, और ये प्रोग्राम होने वाला है शाम को, और अभी की गर्मी की कंडीशन देखते हुए हमें कहीं जाने का मन भी नहीं है, और जाएंगे भी नहीं क्योंकि इस गर्मी में कहीं जाओ मरने का ऑप्शन से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है, तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर करेंगे आराम, ताकि यहाँ का जो ठंडे ठंडे हवा का लहरें चल रहे उसके लेंगे थोड़ा मज़ा। और गाँव का तो कंडीशन आपने देख ही लिया, ऐसा लग रहा है जैसे गांव में कोई लोग ही नहीं रहते, सुनम सान है, मतलब होमलेस विलेज, सॉरी होमलेस नहीं, पीपललेस विलेज, ऐसा आप कह सकते हो अभी जो कंडीशन चल रहा है। और मेरा साइकिल भाई, हमारा भाई साहब पता नहीं कहाँ लेके गए, ठीक करवा के लेकर आने के बाद दो दिन तक वो साइकिल मेरे कंट्रोल में था, लेकिन आज मेरे कंट्रोल से साइकिल हो चुका बाहर, और साइकिल गया कहाँ पर ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं आइडिया, तो करते हैं यहाँ का हवा का मज़ा और थोड़ी देर फिर जाएंगे दोबारा घर पे वापस। मैं आया था इस दुकान पे तो मेरे को करना था अपना लाइसेंस अप्लाई, जिसके चलते मैं काफ़ी जल्दी में हूँ अपना लाइसेंस बनाने का प्रक्रिया में, लेकिन ये दुकान अभी बंद है, मेरे ख्याल से आज संडे इसके चलते दुकान बंद है, या पता नहीं किस कारण से ये दुकान बंद है, लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा है, तो हमारे गाँव में लोगों का जब काम धंधा कुछ नहीं होता तो उनके पास एक काम काफ़ी अच्छा होता है, ताश खेलना, और हमारे गांव के लोग ये काम को कभी नहीं बंद रखते, 12 महीना बारिश हो धूप हो चाहे तूफान क्यों ना आ जाए ये खेल चलते रहता। तो अभी चल रहा है गांव में बॉस टेप के ऊपर जो चौराहा है वहां पे ताश खेल रहे, वहां पे गया था मैं देखकर आ गया, और गर्मी यहां पे इतना ज़्यादा कि बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, तो मैं अभी दोबारा जा रहा हूं घर के तरफ वापस, घर के अंदर तो रहने का मन नहीं करता क्योंकि घर के अंदर भी इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, अंदर टिक के रहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन क्या करें, कम से कम थोड़ी सी तो छाँव मिलेगा हमें। बाकी मैं यहाँ पे डिसाइड किया था बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पे गाइस अभी बैठना इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हवा तो ठंडा चल रहा, लेकिन ये जो नीचे सीमेंट का ये बना हुआ बरांडा का जैसे, लेकिन ये इतना गर्म है, यहाँ पे पिछवाड़ा रखना, अपना पिछवाड़ा जलाने वाली बात ही है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठ के निकल गया था। तो अब जा रहा हूँ दोबारा घर की तरफ वापस, और मेरा गला इतना ख़राब है कि मेरे से बोला नहीं जा रहा, जैसे आपको पता है अभी इतना क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है, और थोड़ा थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, जिसके चलते ये सब कुछ जुखाम का कारण है। तो चलते घर के तरह अंदर दोबारा जाके करेंगे थोड़ा आराम, तो देखेंगे शाम को क्या हो रहा है प्रोग्राम बच्चों का, मास्टर जी को वापस भेजने की जो किया उन्होंने। गाइस तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने घर के अंदर, और ये रहा मेरा बेड, और ये रहा हमारा एक रोशनी दान जो विदाउट लाइट में भी हमें रोशनी देता है, और इसका फ़ायदा होता है दिन में, रात में तो ये भी अंधेरा होता है। तो करते थोड़ा आराम, मिलते आप लोगों को शाम को, देखते गाँव में क्या कुछ होता है शाम में आज, क्योंकि बच्चों ने तो तैयारी काफ़ी ज़ोरों से किया, लेकिन अभी तक तो हमें कुछ नज़र आ नहीं रहा है, हो सकता है शाम को कुछ देखने को मिल जाए। इस तो छोड़ के उठने के बाद मुझे लगा था टॉयलेट, तो उठ के मैं भागते हुए आया अपने नदी पर, और हमने किया टॉयलेट, और फिर हमने अपना जहाज़ को लेके निकल पड़े घर की तरफ वापस, और वापस जाते जाते हमें मिल गया अपना दोस्त जो आप वहाँ पर खड़ा हुआ देख सकते हो, तो मेरा क्लासमेट फ्रेंड था, तो उससे मिलकर थोड़ी बातचीत किया, फिर अब जा रहे वापस, तो अब जाकर देखेंगे गांव में सब क्या चल रहा है। और गर्मी इतना ज़्यादा था, मैं सोते वक्त मेरे को ऐसा लगा कोई मेरे पीछे टैप लगा के छोड़ गया, वो इतना पसीना निकल रहा था मानो कुछ हो ही गया हो शरीर में से, इतना पानी निकला मेरे को लगा मैंने तो आज पानी के अंदर बह जाना, तो फटाफट उठ के देखने पर पता चला कि ये सब पसीने का कारनामा है। तो अब चलते दोबारा गाँव की तरफ वापस, देखते गाँव में अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा गाँव का जो नदी है घर से लगभग 1 किलोमीटर है, जिसके चलते जान तो पैदल आ जाओ जान तो गाड़ी में साइकिल में आ जाओ, तो मेरे पास तो गाड़ी था नहीं, तो मैं साइकिल उठा भागते हुए आ गया, तो हमारा पीछे पीछे हमारा दोस्त भी आ रहा, आप ये देख सकते हो। तो चलते हैं गांव, गांव में जाके देखते हैं सब क्या हो रहा है, गांव के हाल चाल और क्या चल रहा है, तैयारी कैसे क्या हो रहा है। तो
गाइस मास्टर जी की तैयारी की चल रही है काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी, तो हम चले गए थे नहाने के लिए और हम काफ़ी लेट हो चुके क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों ने पूरा गांव घूम लिया हुआ। तो आपको शायद साउंड वगैरह सुनाई दे रहा होगा, ये जो चल रहा है आतंक और शोर उसी चीज़ की चल रहा है भाई, मनाया जा रहा है ये त्यौहार। तो चल के देखते कैसे क्या चल रहा है वापसी की तैयारी। गाइस सीन ऐसा है, हमारा गांव अभी बिल्कुल हो चुका है सुनम सन, तो बच्चे सारे चले गए मास्टर जी को छोड़ने के लिए और गांव में हम रह गए 3-4 बच्चे और यहां पे हम कर रहे हैं मस्ती और राजू दादा हमारे यहां पे बैठ के चला रहे फ़ोन और फ़ोन में पता नहीं क्या गंदी गंदी वीडियो है बंदा देख रहा है यहां पे मस्त होकर। तो अब जाएंगे हम खाना वगैरह खाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे चले गए हैं मास्टर जी को छोड़ने के लिए, लगभग 200 किलोमीटर का ट्रैवल करके जाएंगे फिर वापस आएंगे रातों रात। तो खाने पीने का भाई इंतजाम उनका वहाँ पे किया गया इसलिए सभी बच्चे चले गए। तो चलते अब हम खाना खाएंगे, देखेंगे खाना वगैरह घर वालों ने क्या बनाया हुआ। हाँ पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, इसकी बातें ऐसे भी नहीं हमारा पल्ले पड़ रहा है। और ये रहे हमारे मामू जी, खाना खा लियो मामू। मामू भी खाना खा कर आ गया, तो चलते अब हम भी खाएंगे खाना। हमारे घर का अभी सभी लोग खाना खाकर सो चुके हैं, सिर्फ मेरे को छोड़ दे। तो घर में गांव में लोग काफ़ी जल्दी खाना खा लेते हैं और हमें भाई खाना लेट खाने की आदत है, जिसके चलते ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या है और दिक्कत है। तो अभी सभी लोग सोने पे तुले हैं और हम जा रहे भाई खाना खाने के लिए। तो मम्मी मेरा इंतज़ार कर रहा था और मेरा छोटी बहन अपने बेटे के पास ड्यूटी दे रहा था कह सकते हो एक टाइप का, क्योंकि वो नवाब ज़्यादा इतना कमीना है क्योंकि उसको एक बंदा हर टाइम पे साथ चाहिए ही चाहिए। तो कंडीशन कुछ ऐसा है और खाना हमारा भी डालने के लिए हमारा बहन चले गया हुआ और घर में सभी लोग सो गए हुए, जिसके चलते थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और घर के अंदर इतना ज़्यादा गर्मी है, मतलब मन नहीं कर रहा घर के अंदर अभी खास करके घुसने का, और इतना ज़्यादा यहाँ पर गर्मी अभी पड़ रहा है मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी आएगा खाना, तो खाना खाएंगे और वीडियो वगैरह जो भी है पेंडिंग सुबह करेंगे एडिटिंग, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने के लिए थोड़ा चाहिए फ़ोन में अच्छा खासा बैटरी, जो अभी फ़ोन पर बैटरी नहीं है। अभी फ़ोन को लगा देंगे चार्जिंग पे बैटरी फुल होने में, और दिन काफ़ी बोरिंग चल रहा है और काम हमारा कोई भी नहीं हो रहा, जिसके चलते काफ़ी अपसेट होना पड़ रहा है। कोशिश तो हम कर रहे हैं लेकिन काम बन नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है, जहाँ तो हमारी किस्मत ख़राब है या हमारा वक्त ख़राब है, क्या चीज़ हमारा अभी ख़राब चल रहा है हमें खुद कुछ भी नहीं समझ आ रहा। हर काम पे ब्रेक लग रहा है, हर एक चीज़ रुका पड़ा हुआ। और देखते हैं खाने में अभी बना क्या है, क्या है दमदार मज़ेदार, यहाँ सुबह के जैसे ठीक ठीक ही है। तो देखते क्या मिलने वाला अभी खाने को हमें। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो आज हमारा घर पर खाने में बना हुआ दाल चावल, मूंगी का दाल है ये, काफ़ी बढ़िया होता हमारा उड़िया लोगों का काफ़ी फेवरेट दाल आप कह सकते हो। और ये पता नहीं भाई कौन सा अतरंगी वाला कलर वाले सब्जी बनाया है आलू का, तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसे हल्दी डाल के बनाया हुआ। ऐसा आलू का भरता हम देखते प्लेन कलर में, लेकिन हमारा घर वाले कभी कभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए पीछे नहीं होते। जो अभी इन्होंने बना दिया हुआ आलू का भरता, वो भी पीले कलर का, तो इसको बिहार में कहा जाता है आलू का चोखा और हम कहते हैं इसे आलू का भरता। और आप लोगों का वहाँ पे इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये आ चुका हमारा महाराज वाला चेयर, इसमें बैठ के करेंगे खाने का काम कम्प्लीट, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ गाइस। गाइस तो खाना खा के हो चुके फ्री और गांव में अभी सभी लोग सो चुके और घर में भी सभी लोग सो गए, सिर्फ रह गए तो हम एक भूत इंसान जो जगे हुए। तो चलते हम भी सोने के लिए, और इस कमरे के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है सोना तो काफ़ी मुश्किल है। थोड़ा देखेंगे मैच, और मैच आज का काफ़ी रोमांचक है, कलकत्ता नाइट राइडर के साथ लखनऊ सुपर जायंट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका। तो देखते हैं अब मैच। आप लोगों को अलविदा, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नया वीडियो सब कल मॉर्निंग में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ऐसे हर रोज़ नया नया कुछ मज़ेदार वीडियो आपको दिखाएंगे दिखाएंगे। यह हमारा फैमिली ब्लॉग फास्ट का कह सकते हो गाँव में, इसीलिए थोड़ा बोरिंग थोड़ा हाईटेक वाला लगेगा आपको, लेकिन कोशिश करेंगे कल कुछ मसाले आप लोगों के साथ ऐड करके देने के लिए। तो मिलते हैं नया वीडियो के साथ, बाय बाय।